हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो है गुड़हल के पौधे की कटिंग, आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये मेरे गुड़हल का पौधा है, देखिए इस पर फूल भी आए हुए हैं यहाँ पर, जो सुबह खिले थे। अब मैं शाम का वक्त हो चुका है तो ये मुरझा चुके हैं फूल और नई नई कलियाँ बनी हुई हैं। तो देखिए जो है, अब आज मैं आपको इसकी कटिंग के बारे में बताऊंगी कि आप गुड़हल के पौधे की कटिंग कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे लगा सकते हो। तो देखिए, ये मैंने एक साल पहले अपना पौधा लगाया था, तो इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी मोटी मोटी हो गई हैं, बहुत हार्ड हो चुकी हैं। तो मैं इसमें से जो है एक ब्रांच लूँगी जो मतलब कि हार्ड ही होनी चाहिए, ज़्यादा जो सॉफ्ट होती है ऐसे तो वो नहीं चलेगी कटिंग आपकी। तो इसके चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर इसके मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। पर ये जो ब्रांच है यहाँ से ऐसे कि ये जो इसका जो है 100% रिजल्ट आता है और ये अच्छे से चलती है। तो आप जब भी कोई कटिंग लगाए तो आप ऐसे कटिंग लें यहाँ से और तब आप कटिंग लगाएं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कट कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ से मुझे इसको कट करना है, मैं कंची से भी इसको कट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से कट कर ली, यहाँ से मैंने जड़ से ही इसको कट किया है। और ये रही देखिए, तो मैंने ये ब्रांच ली है पूरी की पूरी। अब मैं ये पौधा जो है मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इस पौधे को अपने खेत पर लगाना है। ये मैंने खेत के लिए छोड़ दिया है कि अब ये इसकी जड़ ज़्यादा वो मोटी हो चुकी है, तो मैं इसको सोच रही हूँ उसको अपने खेत में ऐड कर दूं और इसकी कटिंग तैयार कर लूं। तो इसका पॉट भी बेकार हो चुका है देखिए, और इसी पॉट में इसने मुझे बहुत से फ्लावर दिए हैं, बहुत अच्छे से ग्रो किया है इसने, रोज़ मुझे फ्लावर देता ही रहता है। ऐसे इस पर कलियां फूल आते ही रहते हैं, कभी नहीं जाते। तो ये रही मेरी जो इसकी गुड़हल की कटिंग है। तो मैं इसको जो है यहाँ से इसके कई हिस्से कर लूँगी। आप कभी भी कटिंग लगाओ तो कभी भी एक कटिंग मत लगाएं। आप ऐसे कोई भी ब्रांच लेकर कटिंग के लिए, तो आप इसके कई हिस्से कर लें यहाँ से। तो मैं देखिए कि यहाँ से इसको ऐसे कट कर लूँगी यहाँ से। इसमें वैसे भी पप्स छोटी छोटी बेबीज के वो निकली हुई हैं, तो थोड़ी टाइट हो रही है, तो मैं भी इसको कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है, ऐसे ऐसे पीस बनाए हैं इसके, मैंने इसके चार पीस बन चुके हैं। तो ये है देखिए, ये सबसे हार्ड प्रूनिंग है और ये इससे थोड़ी वो पतली है, और ये इससे भी और ये इससे भी। तो मैं इसको जो है इसके मैंने चार हिस्से किए हैं, तो चार हिस्सों में जो है मैं इसको अब ऐसे पोलोथीन बैग में लगाऊंगी। ये मेरे पोलोथीन बैग है। तो ये देखिए, आप कभी भी एक कटिंग मत लगाएं, और मतलब कि कम से कम दो तीन कटिंग लगाएं, जिससे कि अच्छे से आपकी कटिंग अगर अच्छे से चल सके। तो ऐसे पॉली बैग लेकर आप, इसमें पुरानी मिट्टी है, इसमें नई मिट्टी नहीं मैंने डाली हुई है। आप कभी भी कटिंग लगाते हो तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप कटिंग के लिए मिट्टी जो है बिल्कुल नॉर्मल सॉइल होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं ऐड होना चाहिए, बिल्कुल गार्डन सॉइल होनी चाहिए। और ताज़ी मिट्टी बिल्कुल भी ना हो, जितनी भी पुरानी मिट्टी होगी तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा आपकी कटिंग के लिए। तो देखिए, मैं इसमें ऐसे होल कर लूँगी, मैं इसमें एक पोलोथीन में दो दो लगाऊँगी कटिंग अपनी। तो ये देखिए, यहाँ से ऐसे कटिंग ली हुई है जो मैंने, मैं इनको यहाँ से थोड़ा छील लूँगी। ये जो है ये ऊपर की जो स्क्रीन होती है इसकी, ये थोड़ी सी छीलनी होगी, तो मैं अभी इसको छील देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल छील लिया है। ये छीलना ज़रूरी इसलिए हो जाता है थोड़ा सा ही इसी से, क्योंकि जो इसकी स्क्रीन होती है इसको गलने का ज़्यादा वो होता है, क्योंकि ये गल जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर छीलना ज़रूरी होता है कि ताकि ये मिट्टी में जाकर डायरेक्ट वहाँ पर लगे, तो यहाँ पर सड़न पैदा ना हो। और देखिए, मैं कोई फंगीसाइड या जो है कोई भी खाद मतलब कि कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल कटिंग काट कर आपके सामने ही मिट्टी में ऐसे दबा रही हूँ उसको, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी, बहुत ही अच्छे से चलेगी बिल्कुल। बस आप मिट्टी का ध्यान रखें, अपनी पुरानी होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगी, देखें यहाँ पर कैसा है, ये बहुत अच्छे से चलेगी। तो मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ मिट्टी के अंदर,
और बस आप इसमें जो है पानी डालें और बहुत ही अच्छे से चलेगी ये कटिंग। इसमें आप मॉइस्चर बना कर रखें, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में वैसे भी कटिंग सभी पौधों की बहुत ही अच्छे से चलती है। बरसात और फरवरी का एक ऐसा मंथ होता है जिनमें आप ढेरों प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो ये है देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर ये कटिंग लगा दूँगी। तो ये मेरी कटिंग जो है, आप इसको मिट्टी में जो है काफ़ी कम से कम 2 से 3 इंच दबाएं। ये देखिए, आप इसको मिट्टी में 2 से 3 इंच कम से कम इतना दबाएं, क्योंकि जो ये एक यहाँ पर ब्रांच है और एक यहाँ पर है ये और एक यहाँ पर, जिससे कि तीनों मिट्टी के अंदर दब जाएं, तो यहीं से इसकी जड़ें निकलेंगी इनके अंदर से ही। तो इसलिए कम से कम आपको इतनी जो है आपको जड़ ज़रूर, मतलब कि कटिंग जो है आपको मिट्टी के अंदर इतनी ज़रूर दबानी है, और इतनी मिट्टी के अंदर, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही इसमें रख दें मिट्टी में तो आपकी जो कटिंग है वो नहीं चलेगी। और अच्छे से आप इसके आसपास की मिट्टी दबा दें तो बहुत ही अच्छे से चलेगी। और आपकी जो ये एक्स्ट्रा लीव्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी हो चुकी हैं लीव्स, आप इनको कट कर दो, क्योंकि ये जो है हमारे कटिंग की जो एनर्जी है तो ये पत्तियों को नहीं मिलेगी, सीधी हमारी कटिंग को मिलेगी। तो ये देखें, मैं इनको सभी को कट कर दूंगी। ये मैंने कट कर दी यहाँ से, तो ये देखिए मैं इनको सभी को ऐसे ही कट करूंगी, जिससे कि सारा जो एनर्जी मिलेगी मेरे पौधों को तो वो सभी इन कटिंग को मिले, इन पत्तियों को ना मिले। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसकी ये जो लीव्स थी मैंने इसको कट कर दिया है। मैं कुछ लीव्स इसकी सभी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर अभी इसमें ग्रोथ कर रही हैं कटिंग, और ये वाली लीव्स हमको रखनी होगी जो छोटी छोटी डंडियों पर लगी हुई हैं इसके, ये देखिए ऐसे, तो इनको मुझे रखना होगा क्योंकि यहीं से हमारी नई ब्रांचेस निकलेगी और अच्छे से जल्दी ये चलेगा। हमें सभी लीव्स नहीं हटानी ज़रूरी होती, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी और आप इसमें कटिंग लगाकर पानी डालें और इसमें मॉइस्चर बनाए रखें। पानी आप जो है इसमें खुल कर दें जब तक इसमें नीचे से पानी ना निकले। तो ऐसे आप गुड़हल के पौधे की कटिंग लगा सकते हो और बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग चलेगी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो गुड़हल की कटिंग को लेकर। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ओके गाइज, बाय।